हेलो एवरीवन, ओम शांति, वेलकम टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ कमल भाई हैं। वेलकम कमल भाई। थैंक यू सो मच। ओम शांति। कमल भाई, आज का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा मतलब व्हाट डू यू से, मजेदार भी कह सकते हैं, बहुत कॉमन है कि, और बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आज जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने ऐसा पूछा कि एक वक्त था जब मेरे पास सब कुछ था, सक्सेस हर तरीके से, जिसको हम सक्सेस बोल सकते हैं, नेम फेम एवरीथिंग सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ लाइफ में, और जो होता है बहुतों के साथ कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। और जब उनके पास सक्सेस थी, वो बहुत सक्सेसफुल थे, तो फ्रेंड्स भी भरपूर, यू नो, एवरी डे मिलना जुलना हो रहा है, और हर टाइम आना जाना, फ्रेंड्स बहुत सारे, इतने कि संभाले नहीं जाते थे, इतने फ्रेंड्स। लेकिन आज जब उनके पास कुछ नहीं है, तब कोई फ्रेंड भी नहीं बचा। तो एक बहुत बड़ी कड़वा सच कह सकते हैं लाइफ का, कि ऐसे वक्त पर क्यों ऐसा होता है कि ऐसे वक्त पर कोई साथ नहीं देता। देखो, एक बात जैसे दुनिया में कही जाती है कि जब आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं ना, जब कुछ नहीं रहता है, तब हमें समझ में आता है कि रियल कौन है। जी। अदरवाइज हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में या सपने की दुनिया में जीते हैं कई बार, कि देखो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने लोग हैं, पर वो शायद आपके नहीं होते, या तो आपकी पोजीशन के होते हैं, या फिर उन्हें आपसे कुछ मिल रहा है। जी। क्योंकि इट इज अ बिटर ट्रूथ, बिटर पिल टू स्वेलो, कि जो भी रिलेशंस आज है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए, चाहिए पर है, चाहिए, जब तक उनको वो मिल रहा है हमसे, वो हमारे साथ है, एंड जब वो मिलना बंद हो जाएगा, वो साइड पे हो जाएंगे, है ना, ज्यादातर रिलेशंस। जी। तो ये तो होना ही है, मतलब दिस इज द रियलिटी। अब उसको हम कैसे फेस करें वो हम पे डिपेंड करता है, बट ये होना है। क्योंकि फिर जब ये होता है तो फिर दुखी हो जाते हैं ना, क्योंकि क्यों हो जाते हैं दुखी भी, उसका भी रीजन वही है ना, कि हम पहले से प्रिपेयर नहीं थे। एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, ऐसा मतलब हम सोच रहे थे कि नहीं, मेरे तो सारे दोस्त हैं एंड ये तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस हमने हाई रखी, और जब वो उससे मैच नहीं कर पाए तो फिर हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो दिस इज द रियलिटी, ये हमें समझना पड़ेगा। एंड एक्सपेक्टेशन से जब हम ऊपर उठते हैं, तभी वो जो हम बात करते हैं हमेशा, इनर पीस की, इनर हैप्पीनेस की, तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन तो कई लोगों के जीवन में आती है, एंड जब उनके सामने आती है, दे आर नॉट एबल टू फेस, वही बात आ गई, उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ कैसे हो गया ये? Exactly. यहाँ पे कमल भाई, मैं एक, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, जो आप हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, और हर इंसान, हर कोई अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ पे वो बात आ गई कि अब यही तो हुआ कि यू नो, उस टाइम पर कितने सब अच्छे थे, और हमने यही सोचा था कि सब अच्छे हैं, पॉजिटिविटी थी लाइफ में, एंड सडनली सब चले गए, तो अभी ये क्या बात हुई, तो फिर कहाँ गया वो सब कुछ हमारा, पॉजिटिविटी जो हमने बात की, पॉजिटिविटी की बात करते हैं जब हम, कि सब अच्छे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो ओरिजिनल नेचर जो हमने पहले बात की, कि ओरिजिनल नेचर सबकी अच्छी है, सब प्योर एंड पीसफुल है, बट अभी समय जो चल रहा है, कलयुग का समय है, जिस कारण सबके अंदर, मतलब सबके अंदर इन द सेंस 95% से भी ऊपर जो सोल्स है, उनके अंदर उनकी जो बैटरी है या उनकी जो संतुष्टता है वो कम है। इसीलिए उन्हें सिर्फ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्यास लगी है, तो अब जिस व्यक्ति को प्यास लगी है, वो क्या अपना पानी किसी के साथ शेयर करेगा, उसको सिर्फ पानी चाहिए। तो ऐसे ही आज ज्यादातर लोगों का हाल है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, जो हमने पहले भी समझा कि कंपैशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब जिसने जो छोड़कर गए, एक्चुअल में उनकी भी गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्हें तो चाहिए कुछ, अब और उनको वहां नहीं दे पा रहे, हाँ। तो जाएंगे, जाएंगे। जाएंगे। तो अगर हाँ, अगर वो संतुष्ट होते, हाँ। अगर वो फुल होते, फिर नहीं जाते, हाँ। लेकिन वैसा तो बहुत कम होता है।
लेकिन इसमें हम अपने आप को प्रिपेयर रखें पहले से ही, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की। और इसका पॉजिटिव साइड हम देख सकते हैं, जिनके साथ भी ये हुआ वो अगर देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रहा होगा। हाँ, 3-4-5 लोग ऐसे होंगे जो इस समय पर भी उनके साथ रहे होंगे। हाँ, तो उनको ये हमेशा ध्यान रखना है कि उनको कभी नहीं छोड़ना है। उनको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जो जब आप कुछ भी नहीं है और फिर भी वो आपके साथ है, दैट मींस वो जिंदगी भर हमारे साथ वो ट्रू फ्रेंड्स हैं। राइट जी। और ऑल्सो जैसे आप हर बार कहते हैं कि एक जो पहले से ही उन सिचुएशंस को हम यू नो पहले से ही प्रिपेयर करें अपने आप को कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। आज मेरे पास सब कुछ है तो मेरे साथ सब खड़े हैं, कल को कुछ नहीं होगा, तो पहले से अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, इस चीज के लिए रेडी रहें और उसके साथ एक कनेक्शन जो आप कहते हो हर बार। देखिए, जैसे इस लाइन को हम समझें कि इस दुनिया में जो भी दिख रहा है ना वो टेम्परेरी है। अगर हम शरीर की बात करें, ये जो बॉडी है, ठीक है, अभी हम यंग है, ठीक है, मान लो कोई बहुत ब्यूटीफुल है, कोई बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो परमानेंट तो नहीं है। ऐसे ही नेम है, पोजीशन है, तो ये परमानेंट तो नहीं है क्योंकि टेम्परेरी है ये जी। तो ऐसी जो रिलेशंस भी है ना वो भी टेम्परेरी है एक्चुअल में। अच्छा, क्योंकि टेम्परेरी है ना, मतलब जैसे अभी इस सिचुएशन में हमने देखा कि जैसे ही उनको वो चीज मिलनी बंद हुई वो चले गए। अगर हम पहले से प्रिपेयर होते कि everything is temporary, तो हम दुखी नहीं होते। Right. लेकिन हम पहले से तैयार नहीं थे and हमारी expectations बहुत high थी, इसीलिए हमें वो hurt हुआ कि नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो मेरे साथ हुआ। जी। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा कि situations, मतलब आज मेरे पास सब कुछ है, हो सकता है, मान लो शरीर की बात करें, कि आज मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, पर चांसेस तो है ना इस शरीर को कुछ हो सकता है। हम कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि बीमार होगा, बट दिस इज द रियलिटी कि कोई बात आ सकती है एंड मैं उसके साथ उसके लिए तैयार हूँ पहले से। प्रिपेयर करके रखो अपने आप को हर चीज के लिए। नहीं तो आपने सुना भी होगा कई बार कि जब कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो कई बार उसके अंदर एक एरोगेंस भी आ जाता है। हाँ। और फिर वो जो सक्सेस चली जाती है, हाँ, या नहीं भी जाती है, तो उसका एक फियर रहता है। हाँ। कि मैं आज नंबर वन पर हूँ, हाँ, एंड कहीं मैं नंबर टू पे आ गया तो वो फियर अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि हमने वो एक अपनी ईगो बना लिया कि मैं नंबर वन पे हूँ। करेक्ट। तो वो एरोगेंस भी ना आए हमारी एंड सक्सेस को भी हम डील कर पाए। इसीलिए योगी लाइफ की जो डेफिनेशन बोलते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि हार या जीत, सक्सेस और फेलियर, दोनों में हम स्टेबल कैसे रहे, एक समान, दैट इज द मेन। जी, तो यहाँ पर अगेन अपने आप को प्रिपेयर पहले से करो। yes. और जैसे हमने पहले भी बात की थी, मुझे जो याद आया कि सक्सेस की जो हम बात कर रहे थे, सक्सेस एंड फेलियर, मतलब आप पहले ही खुश रहे ना, सक्सेस मिलेगी और फिर खुश होंगे, वो क्यों करना है, तो फिर जब आप नीचे भी चले जाएंगे। बिल्कुल, और जब हम खुश नहीं होते हैं तभी तो एक्सपेक्टेशंस होती है। एग्जैक्टली, जैसे हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये लोगों ने मेरे साथ क्यों छोड़ दिया। हाँ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिटैच होकर नहीं देख पा रहे, जो हमने पहले भी समझा जी, कि अगर आप डिटैच होकर देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति जो थे वो अंदर से बेचारे खाली हैं, एंड हाँ, उन्हें आपसे अब कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो चले गए, आपको समझ में आ गया, हाँ, कि कौन रियल है कौन आर्टिफिशियल है। तो इन अ वे जो सिचुएशन हमारे सामने आई, फेलियर भी आया, हाँ, वो एक बून हो गया ना। हाँ, बून हो गया कि एटलीस्ट पता चल रहा है कि कौन है मेरी लाइफ में, कौन सच्चे हैं, कौन रियल है। तो इस चीज को भी जैसे कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस जवाब के लिए। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही आपके और भी सवाल हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।